इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर प्रसिद्ध है। बंगाल चुनाव के चलते सीएम योगी बंगाल के पुरुलिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ममता सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती ने कई महापुरुष दिए हैं। उन्होंने नाम गिराते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जगदीश चंद्र बसु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष बंगाल की धरती ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती देश को जीविका देने वाली है। यहाँ की धरती परिवर्तन की धरती रही है। सीएम ने ममता बनर्जी को निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ पर टीएमसी की गुंडागर्दी देखकर मन खिन्न होता है। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे जीवन में कोई राम का अलग नहीं कर सकता। जो राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसके सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। योगी ने आगे कहा कि भगवान राम हमारे रग रग में बसते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार भगवान राम के साथ बैर कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर समेत 25 जिलाधिकारियों और 4 कमिश्नर ने से फोन नहीं उठाने पर मांगा स्पष्टीकरण। गोरखपुर के जिलाधिकारी से भी मांगा स्पष्टीकरण। शासन द्वारा मंडलायुक्त, डीएम, एसपी पर कार्रवाई करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब तलब करने को कहा गया। लखनऊ में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। विधानसभा चुनाव में 60% वोट का लक्ष्य, बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने की रणनीति। लखनऊ में योगी के काम पर बीजेपी सजाएगी 2022 के बरसात। चुनावी लड़ाई विश्वास बनाम अविश्वास पर केंद्रित करने की तैयारी। लखनऊ में बीजेपी ने तैयार किया मिशन 2022 का रोड मैप। किसानों के बीच पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश। किसान सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन। देश भर में बैंक एसोसिएशन की तरफ से 2 दिन की हड़ताल की गई है। बैंकों की हड़ताल होने से लखनऊ वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिद्धार्थनगर में चल रहे कपिल वस्तु महोत्सव की अंतिम रात में जलवा बिखेरने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी पहुंचे। इस साल के महोत्सव को यादगार बनाया गया। इस दौरान दोनों ने हिंदी और भोजपुरी भाषाओं के चुनिंदा गीत प्रस्तुत किए, जिसे सुनकर दर्शक झूम उठे। भदोही में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी लक्ष्य के हिसाब से टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर टीका जरूर लगवाएं। बिजनौर में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने दोबारा ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। जिला अस्पताल में लगवाया गया कोविड-19 का टीका। अस्पताल के सीएमएस की मौजूदगी में लगा टीका। लखनऊ में सेतु निगम डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के 40वां स्थापना दिवस। लखनऊ सेतु निगम के मुख्यालय में मनाया गया स्थापना दिवस। नोएडा में स्वच्छता के मामले में नई इबारत लिख रहा है और पिछले साल जहां नोएडा की रैंक 25 थी, तो इस बार टॉप 10 में नोएडा ने क्लीन बनकर अपना नाम हासिल किया है। सेक्टर 55-56 की मार्केट में पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए ट्री फाउंडेशन के साथ साथ 5 बच्चों ने प्रयास किया है और जागरूकता फैलाकर इस मार्केट को प्लास्टिक मुक्त बनाने का अपना योगदान दिया। देश के विभिन्न प्रांतों में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मेरठ के जिला प्रशासन ने किए
ने किया सतर्क। आने वाले दिनों में लोगों को इस आपदा से बचाने के लिए जिलाधिकारी प्रवीण लक्षर ने लोगों से मास्क लगाने और नियमों का पालन करने की अपील की। एक बार फिर कोरोना वायरस की दस्तक कई राज्यों में हो चुकी है, तो वहीं दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में भी कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगरा में सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंची उत्तराखंड की राज्यपाल। 31 निर्धन कन्याओं का हुआ सामूहिक विवाह, विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंची बेबी रानी मौर्य। भदोही में प्रशासन ने ओवरलोड ट्रकों पर की बड़ी कार्रवाई, गिट्टी बालू लदे 31 ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़ा। ओवरलोड ट्रकों के संचालन को लेकर कराई जा रही है प्राथमिकी दर्ज। श्रावस्ती में पुलिस चौकी जमुनाई के पीछे और एसएसबी चौकी की चंद कदम दूरी पर मुख्य बाजार सड़क किनारे युवक का अपहरण किया गया। 3 पल्सर गाड़ी पर सवार 6 लोगों ने आकर असलाह के दम पर किया अपहरण। आगरा में ट्रेन के कोच पर लगी भीषण आग से मची अफरातफरी। एनडीआरएफ आरडीएफ के जवान भारी संख्या में पहुंचे। मॉक ड्रिल की सूचना से लोगों ने दी राहत। बुलंदशहर में खाकी का मानवीय चेहरा सामने। कैमरे में कैद हुई होमगार्ड की मानवीय तस्वीर। दिव्यांग फरियादी को गोद में उठाकर ले गया था होमगार्ड। जालौन में वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने वसीम रिजवी का पुतला फूंका, कुरान को लेकर दिया था विवादित बयान। बाराबंकी के राम सिन्ही घाट इलाके में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रकों में जबरदस्त आग लग गई। इस हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई। गाजियाबाद के इंद्रापुरम पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो मोबाइल फोन के डिब्बे में साबुन रखकर उसकी डिलीवरी करता था। पकड़े गए 7 आरोपी ऑनलाइन कंपनी फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में काम करते हैं। वेयरहाउस से लेकर कस्टमर के घर तक डिलीवरी के दौरान ये मोबाइल फोन के डिब्बों में से फोन निकाल लेते थे। डिब्बे में मोबाइल फोन के वजन के जितना साबुन का टुकड़ा रख दिया जाता। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के टोल प्लाजा पर मारपीट। आधा दर्जन दबंगों ने किया हमला। लाठीचार्ज से टोल कर्मियों पर किया हमला। कानपुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में बैठे 60 सवारियों में से 9 गंभीर रूप से घायल, जिनका हैलेट अस्पताल में उपचार चल रहा है। गाजियाबाद में फूलों की नर्सरी में बने मकान में लगी आग। हापुड़ फ्लाईओवर के पास फूलों की नर्सरी में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बलिया के नहरी थाना इलाके में कोचिंग संचालक पर छात्रा ने यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप। छात्रा का आरोप है कि कोचिंग में पढ़ाने के बहाने बुलाकर किया गया कई बार यौन शोषण। इतना ही नहीं, आरोपी शिक्षक ने पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के जरिए आरोपी छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस में की। शाजापुर में एक मासूम बच्ची अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर अपने माँ बाप का पेट पाल पोस रही है। बच्ची पतली सी रस्सी पर 10 फीट की ऊंचाई पर चलकर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रही है। लखनऊ में अपार्टमेंट की पार्किंग पर बाइक चोरी कर फरार हुआ चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। कौशाम्बी में थाना प्रभारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। सैनिक कोतवाली प्रभारी प्रदीप सिंह की मौत। मौके पर पहुंचे डीएसपी और एसपी।
सहारनपुर में कमरे में प्रेमी जोड़े ने लगाई फांसी, युवक की 9 साल पहले हो चुकी थी शादी, मृतक युवक की पत्नी रह रही थी मायके में। एटा में डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में एक शख्स की मौत, दो की हालत गंभीर। शामली के थाना भवन इलाके में पुलिस ने सोशल मीडिया पर तमंचों के साथ पोर्टल वायरल करने वाले युवक को किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पास से दो अवैध तमंचे भी बरामद किए। गाजियाबाद में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, असर दिखाए जाने के बाद एसपी ट्रैफिक ने की कार्रवाई, बाइक चला रही लड़कियों पर 11,000 का जुर्माना। लखनऊ में टोल प्लाजा पर संदिग्ध गिरफ्तार, देर रात पुलिस ने संदिग्ध को किया था गिरफ्तार, कार सवार दूसरा शख्स प्लाजा को बैरियर को तोड़कर फरार हुआ था। कानपुर में नौकरी के नाम पर 50,000 की ठगी, हैलेट अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, लड़की से 3 साल पहले किए थे बाबू ने पैसे। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कानपुर देहात में संदिग्ध हालात में मासूम की मौत, परिजनों ने गांव के युवक पर लगाया आरोप, खेत में गाय जाने से लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ में दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने से मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, फायरिंग में एक सिपाही हुआ घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में बैग छीनकर भाग रहे बदमाश को होमगार्ड ने पकड़ा, महिला यात्री से बैग छीनकर भाग रहा था बदमाश, होमगार्ड ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश को दबोचा। देहरादून में कुंभ मेले को लेकर एक्शन में सीएम तीरथ सिंह रावत, कुंभ की भव्यता और दिव्यता के लिए ले रहे बड़े फैसले। शाही स्नान संपन्न होने के बाद कुंभ की तैयारियां और तेज से हो गई, 1 अप्रैल से विधिवत रूप से कुंभ मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है। मेलाधिकारी दीपक रावत ने बैरागी कैंप पहुंचकर बैरागी अखाड़ा के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की और अधिकारियों को दिन रात काम कर रहे बैरागी कैंप में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। मसूरी बीजेपी जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र राणा ने मसूरी के मलिंगार ग्राउंड पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीब 170 रोगियों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां एक्टिव मोड पर आ गई हैं, सभी पार्टियां एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ अपनी पार्टी से जोड़ने हुए दिखाई दे रही है। काशीपुर में भी कांग्रेस में आपसी मतभेद इस कदर हो चुकी है कि उन्हें संभाल पाना कांग्रेस के लिए असंभव दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने रुद्रप्रयाग जिला कांग्रेस के संगठन की बैठक की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकारें की नाकामियों को गांव-गांव तक ले जाने का आह्वान किया। हरिद्वार में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आदेश के बाद कुंभ कार्यों में तेजी आई है, जहां बैरागी अखाड़ों के लिए भूमि की पैदाइश का काम शुरू हो गया है। रविनाथ रमन हरिद्वार पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर कुंभ मेले की प्रगति की जानकारी ली।
टिहरी में खनन विरोधी आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले समाजसेवी सुदेशा बहन को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा लुधियाना ने उन्हें मां नंदा शक्ति सम्मान से नवाजा। रुड़की में नारी सशक्तिकरण को लेकर किए जा रहे एक कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने महिलाओं को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक कार्यों से जुड़ी महिलाओं में शिक्षक, उद्यमी, चिकित्सक, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और स्वरोजगार से जुड़ी बहनें शामिल हैं। हल्द्वानी जेल में तैनात कर्मचारियों ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्या के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, साथ ही उनको हटाने की मांग की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्या ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके मामले की जानकारी नहीं थी और वो इस समय अवकाश पर गए वरिष्ठ जेल अधीक्षक की जगह पर हल्द्वानी जेल का कामकाज देख रहे हैं। प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की सप्लाई की सूचना पर ड्रग्स विभाग हरिद्वार और देहरादून विजिलेंस की टीम ने संयुक्त रूप से रुड़की के पिरान करियर में छापेमारी करते हुए कार्रवाई की, जिसके अंदर आरोपियों को मौके से धर दबोचा गया। इस दौरान आरोपियों ने टीम के साथ बदसुलूकी करते हुए मारपीट करने का भी प्रयास किया। टीम ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन बरामद किए। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने फिल्म मेजर के टीजर की एक झलक साझा करते हुए रिलीज डेट का एक्शन ऐलान किया है। बीते दिन एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर पर पड़ी इनकम टैक्स की रेट काफी चर्चा में रही। इसी बीच अपनी कमाई के सवालों में घिरी तापसी ने अपने नए घर की तस्वीरें साझा की है। बॉलीवुड के स्टार आमिर खान ने आखिरी पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया को अलविदा किया है, साथ ही आमिर ने ऑफिशियल चैनल बनाया है। बीते दिन धर्मेंद्र ने ट्वीट करके लिखा था कि शरूर नहीं आया सादगी को मेरी उम्र भर की सहत आ गया। इस ट्वीट के बाद लता मंगेशकर ने 20 मिनट कॉल करके बात करके धर्मेंद्र की हिम्मत बढ़ाई। सोमवार रात मुंबई में अली और जैस्मीन स्पा सेशन के बाद साथ नजर आए। वहां जैस्मीन ने खुलासा किया है कि मास्क नहीं लगाने की वजह से उनका चालान काटा गया। बीसीसीआई द्वारा सोमवार को फैसला लिया गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बाकी के T20 मैच बिना दर्शकों के कराए जाएंगे। विराट कोहली ने T20 में अपने 3000 रन पूरे किए हैं, ऐसा करने वाले वो पहले बैट्समैन बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में MBA पढ़ाया जाएगा, जो कि क्रिकेट से होगा। इसका सुझाव ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर खिलाड़ियों की यूनियन ने दिया। ये कोर्स उन खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है जो एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं। ये कोर्स 3 साल का होगा, जिसकी फीस मात्र 50 लाख रुपए है। टीम इंडिया पर दूसरे T20 मैच पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगा है। टीम इंडिया निर्धारित समय पर एक ओवर कम फेंक गई थी।